हेलो माय फैमिली, कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? देखो, सुबह से मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया आज, क्योंकि तो मुझे पता था संडे है, सब छुट्टी मना रहे हो। ये देखो, अभी मैंने सीढ़ी यूज़ किया था, सीढ़ी ऐसे ही पड़ा है। आज मैंने देखो ये कर्टन्स लगा दिए, पिछले साल नेट के कर्टन्स है ये। और एक मैंने यहाँ लगाए थे, ये तो खैर मैंने कुछ महीने पहले लगा लिए थे, और ये मैंने अभी लगाए हैं ये वाले। हुआ ये था, पिछले साल जनवरी में घर में प्रोग्राम था, तो मैंने वाइट पर्दे बनवाए थे, जबकि वाइट पर्दे कोई बनवाता नहीं है, लेकिन मैंने वाइट बना लिए थे। बहुत गलती कर दी मैंने, वाइट बनवाने ही नहीं थे मुझे, वाइट बनवा लिए थे। और उसके बाद जब मैंने अभी कुछ टाइम के बाद उसको धोया तो वो श्रिंक हो गया। मुझे बहुत तकलीफ हुई, इतने महंगे लिए थे, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, क्या बताऊँ। कई बार समझाने वाला कोई नहीं होता ना, जब अपनी चलानी होती है तो फिर दिमाग काम नहीं करता। बाकी आप लोग बताएं कैसे हैं? मैं तो सुबह से आई ही नहीं, सुबह उठी लेट थी, रात को मैंने नेटफ्लिक्स में जेड नेशन देखी दोबारा, क्योंकि कई बार जॉम्बीज की मूवी होती है ना, वो तो आप देखते रहते हो और फिर देखते देखते जब एक साल निकल जाता है, तो कोरोना में तो दोबारा से शूटिंग इनकी हुई नहीं है, जो दूसरा सीजन आता। मैंने बहुत सारे देखे थे जो किसी का दूसरा सीजन अभी तक आया ही नहीं है। तो मैंने जेड नेशन का दिख गया मुझे, तो मैंने देख लिया रात को, तो बहुत रात तक बेचैनी रही, सो नहीं पाई। कई बार हम टीवी सामने देख रहे होते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। बाकी देखिए मौसम, कल भी मौसम दिखा रही थी, मैं आज भी दिखा रही हूँ, आपको भी पता है कितना सुंदर मौसम हो रहा है। एक बात है, लेकिन अगर छुट्टियों में अगर ऐसा मौसम, जब छुट्टी होती है जॉब से हम घर आते हैं, बिजनेस करके घर आते हैं, छुट्टी जब ऐसी होती है, ऐसा मौसम मिल जाता है, तो फिर तो चार चांद लग जाता है। क्या कहते हैं आप लोग? बहुत ही सुहावना मौसम हो रहा है, कुदरत हमें बार बार ये मौसम दिए जा रही है, पता नहीं किसी के लिए फायदा है किसी के लिए नुकसान है, लेकिन मैं तो मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है नुकसान किसके लिए है। मुझे तो अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है, बाकी आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। बताइए आप लोग, आज तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकली, मन था कि थोड़ा हवा खा के आऊँ बाहर लेकिन मैंने देखा कि बारिश बूंदाबांदी हो रही है, बड़ी गंदी बारिश हो रही है। बच्चों को पता लगता कि बारिश में बाहर निकली है तो वो भी बहुत नाराज होते हैं। गाड़ी भी बहुत गंदी हो रही है, जब मैं वृंदावन से आई थी गाड़ी लेके, मैंने अभी तक धुलवाई नहीं है। हालांकि सुबह आता है, सुबह लड़का साफ करने वाला, तो वो अच्छी तरह से धोता नहीं है, आपको तो पता ही होगा, सूखा कपड़ा मार के चला जाता है, पैसे उनको टाइम पे चाहिए। खैर मैं उठी थी लेट, थोड़ा बहुत खा के ब्रेकफास्ट तो क्या ही किया था मैंने, चाय के साथ दो सैंडविच लिया था, और दोपहर को फिर वही चावल दाल और आलू की भुजिया जो मैंने बताया था। वॉक करने आज भी नहीं जा पाऊंगी क्योंकि तो बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। आप लोग कुछ कुछ प्यार देते रहते हैं, कुछ कुछ देते नहीं हैं, कभी आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, कभी सब्सक्राइब करके आउट हो जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? यूट्यूब पे भी हम लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ना, अच्छा लगेगा मुझे। अगर कुछ देख रहे हैं तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए ना, हर चीज़ को फायदे में ही लेना चाहिए। कि अगर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर दीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो, नहीं लग रहा है तो एक अलग बात है, बाकी आप लोगों की मर्जी। सेल्फी स्टिक टूट गया था, ये टूटा वाला ये चिपका के मैं काम चला रही हूँ, अभी नया पता नहीं कब लूँगी।
अभी अमेजोन वगैरह सभी ऐप पे तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है, तो मैंने सोचा है कि नहीं अभी हमारे केबल तो देखते नहीं है, केबल कटा हुआ रहता है हमारे यहाँ, तो हमने अमेजोन वाला स्टिक लगाया हुआ है, फायर स्टिक, नेट से ही देखती हूँ, नेटफ्लिक्स ही देखती हूँ, सारा इंटरनेट पे जो आता है आप लोग भी वही देखते होंगे आजकल, केबल तो कोई देखता ही नहीं है। तो आज मैंने आज शायद बिग बॉस शायद आज से ही शुरू हो रहा है आई थिंक, मेरे को जहाँ तक याद है 8 अगस्त ही बोला था, तो रात को 10:30 बजे मैं बिस्तर में चली गई थी, नींद तो आई नहीं थी, लेकिन सो गई थी किसी तरह कोशिश करके, आज शायद बिग बॉस देखूँगी। तो आज मैंने वो वाला चैनल बच्चे को बोल के सब्सक्राइब कराया है, वो चलाऊंगी आज, देखते हैं कैसा आता है, पिछली बार तो बकवास था, शुरू में जो 1-2 एपिसोड आए थे वही अच्छे थे और तो था नहीं, वो कहते हैं ना होप 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 ही रहता है सारा कुछ, कि आप देख रहे होते हैं कि कुछ अच्छा आएगा कुछ आएगा, कुछ होता नहीं अच्छा, लड़ झगड़ रहे होते हैं, पार्टिसिपेंट भी अच्छे नहीं आते हैं उसमें, देखने का मज़ा नहीं आता। बाकी आप लोग बताइए, मैं ही बोले जा रही हूँ, आज मैंने 2-3 गमले बाहर किए थे बारिश में, ये पर्दे मैंने लगाए थे कि धूप नहीं आएगा, अब ये क्या होता है जैसे गमला अगर मैंने बारिश में रख दिया ना तो ये इसमें लपेट लेता है, लपेट के नीचे कर देता है सीधा, डर ही लगा रहता है कि नीचे किसी के सिर पे नहीं गिर जाए, और सिर पे गया तो फिर वही कहावत है ना कि उसके सिर पे इतने बजेंगे इतने बजेंगे इतने बजेंगे कि कोई सोच भी नहीं सकेगा, बस तो ही चलाया जाएगा, उसके बाद मेरा बच जाएगा। लोग पानी में भी निकल गए हैं वॉक करने के लिए, कई बार 2 औरतें अगर इकट्ठी निकल रही हैं घर से, लगता नहीं कि वॉक करने निकली है वो घर की, मुझे लगता है कि घर से निकलती है सिर्फ घर की बातें करने के लिए, क्या कहते हैं आप लोग, मैं तो खैर ऐसा करती नहीं हूँ, वॉक करती हूँ तो मैं तो साइड काट जाती हूँ, कोई खड़ा दिख जाता है मुझे तो, क्योंकि वॉक करते समय कभी बात नहीं करना चाहिए। अभी तो शाम हो रही है, मैंने सोचा कि अभी जल्दी से ब्लॉग बना लेती हूँ, बहुत टाइम के बाद मैं रूम से निकली और ड्राइंग रूम में आई थी, ड्राइंग रूम में कर्टन लगाया मैंने, आजकल ड्राइंग रूम में मेरे टीवी नहीं है इसलिए मुझे बेडरूम में ही बैठना पड़ता है, ड्राइंग रूम में टीवी लगाऊंगी तो फिर ड्राइंग रूम में बैठ पाऊंगी, तब तक तो मुझे बेडरूम में बैठना पड़ेगा, दिन भर वहीं रहती हूँ मैं, सारे काम वहीं हो जाते हैं, खाना लेके अंदर चली जाती हूँ, फिर कुछ होता है फ़ोन लेके अंदर चली जाती हूँ, टीवी देखने अंदर चली जाती हूँ, तो ऐसे ही होता है मेरे साथ। चलिए आप लोग बताइए कैसे हैं, चलिए मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, अपना ध्यान रखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी आपके, बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, और अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, और वॉक करते रहिए, तोंद मत बढ़ाइए, सेहत बढ़ाइए लेकिन तोंद मत बढ़ाइए अपना, वो देख के बहुत गंदा लगता है, और फिर आपको कपड़े लेने के लिए बाहर भागना पड़ेगा, तो सेहत बनाते रहिए और अच्छा हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी में खाना बनाने में टाइम बहुत लगता है ये मेरे को पता है, क्योंकि तेल ज़्यादा पड़ जाता है सब्ज़ी में तो आदमी खा लेता है तेल बाहर कर कर, हेल्दी फूड बनाना पड़ जाए तो उसमें मेहनत भी बहुत पड़ता है और महंगा भी बहुत पड़ता है, तो लोग बचते हैं इसको खाने के लिए। चलिए बाकी एक आंटी अपने डॉगी को घुमा रही है, मैं तो कुछ रख ही नहीं पाती हूँ, संभालना बहुत मुश्किल काम है, धन्य है वो लोग जो इनको संभालते हैं, मैं तो संभाल ही नहीं पाती, कोशिश करती हूँ, देखती हूँ जब तो लगता है कि ये भी रखूँ वो भी रखूँ लेकिन हो नहीं पाता, क्या कहते हैं आप लोग, आप लोग सजेस्ट करिएगा कि अब मैं क्या रखूँ। चलिए लव यू गाइज, आज इतना ही।